हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव क्विज 8 डिस्कशन। फिजिक्स के सॉल्यूशंस हैं। आई होप आपका लाइव क्विज 8 बहुत बढ़िया हुआ होगा और हम डिस्कशंस के साथ चलते हैं आगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो और या रिवाइंड करके भी देख सकते हो। और आई होप बढ़िया गया होगा क्योंकि क्विज ठीक था इस बार, थोड़ा लेवल हमने ठीक रखा था क्विज का। ठीक है, तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये 90 सेकेंड्स में हमें सॉल्व करना था। अभी मैंने एक हल्का सा चेंज किया इस बार कि हर क्वेश्चन के साथ मैंने टाइम लिमिट डाल दिया जिस टाइम लिमिट में आपको ये सॉल्व करना था ड्यूरिंग द क्विज। तो उससे थोड़ा सा और हमें आइडिया होता रहेगा कि हाँ भी कैसे करना था। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो लेयर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है। दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक लेयर्स इज। तो ये रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी जरूरी है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है इसको मैं नाम दे दूंगा C1 और इस वाले कैपेसिटर को नाम दे दूंगा C2। तो जब मैं C1 कैपेसिटर की बात करूंगा तो फॉर C1 इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या है? दिस इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अच्छा, परमिटिविटी जो ऑफ मीडियम जो होती है वो एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होती है। ये स्पेस वाली है, फ्री स्पेस वाली। और ये इसको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम कह देते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 होगी E1, उसे हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जो इस C1 कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा वो आएगा E1 इंटू डी। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो E1 इंटू डी आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। दिस इज डेल्टा वी, और डेल्टा वी कौन सा? 1 का। अब हमसे पूछा गया फॉर सेकेंड कैपेसिटर C2, जो दूसरा वाला कैपेसिटर है C2, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगी उसे हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट। तो K2 कितना है इस केस में? K2 इज 6, तो हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज E2, तो डेल्टा V2 हो जाएगा E2 इंटू डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का बीच का जो डिस्टेंस है वो 2D है। तो E2 इंटू 2D, दैट इज सिग्मा बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D। तो ये हो गया सिग्मा D अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये डेल्टा V2 है। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछा है, तो डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 पूछा है। तो डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 हम लोग लिख देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी डिवाइडेड बाय सिग्मा डी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 3/2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है डी, दैट इज 3/2। तो इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो जाना चाहिए था, 90 सेकेंड्स में ही हो जाना चाहिए था, इससे पहले भी हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमें बोला गया दो स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग द चार्ज प्लस क्यू आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ एल। तो इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ एल फ्रॉम अ सिंगल हुक। तो सिंगल हुक से दो चार्जेस को प्लस क्यू और प्लस क्यू को हमने सस्पेंड किया है सिंगल हुक से। लेंथ इसकी एल है, इसकी लेंथ भी यहां से यहां तक एल है। दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, मतलब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। देन द एंगल बिटवीन द टू थ्रेड्स एंड द टेंशन इन ईच थ्रेड विल बी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो इस पे कुछ mg लगता, फिर इधर कुछ टेंशन लगता, इधर कुछ F फोर्स लगता और ये बीच का डिस्टेंस होता। बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब अगर ये फोर्स नहीं है तो सिर्फ यही फोर्स है हॉरिजॉन्टली, तो इसको ऊपर लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बेसिकली, क्योंकि अगर देखूं मैं तो ये एंगल अगर मैं थीटा मानूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा और ये टी साइन थीटा हो जाएगा। तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे भी फोर्स है ऐसी टी साइन थीटा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता जाएगा। कब तक होगा? जब तक ये नेट फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं हो जाते। तो ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पे, और ये हुक है। तो ये L लेंथ, ये भी L लेंथ, ये Q चार्ज, ये भी Q चार्ज। तो एंगल कितना हो गया दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का? 180 डिग्री।
और फोर्स कितना लग रहा है एफ इज के क्यू इंटू क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो 2L का स्क्वायर. तो फोर्स हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर, इसको हम ऐसे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. और जो एंगल हो गया, एंगल इज बेसिकली 180 डिग्रीज. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया ए. तो 60 सेकेंड्स का क्वेश्चन था. अगर हम ये क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसमें है या नहीं है. जैसे इस क्वेश्चन में बोला ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, नहीं है तो इस चीज को सीधा दिमाग में आते ही ये पता लग जाना चाहिए कि भाई ये ऐसे होंगे, फिर ऐसे करके बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर मेड ऑफ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटीरियल. इफ जे ए एंड जे बी आर द करंट डेंसिटीज एंड ई ए एंड ई बी आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली देन. तो सिंपल सा सवाल है. अब देखो, अगर हमें ऐसा बताया गया कि ये यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो जे ए है और यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो जे बी है. अब हम सभी जानते हैं करंट डेंसिटी आई इक्वल्स टू करंट डेंसिटी, तो आई अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी दैट इज जे. तो आई क्या है? करंट. और ए क्या है? एरिया. अच्छा, एक बात तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ बी. अब इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया या करंट पास किया, तो ये जितने भी बीच में रेजिस्टर्स होंगे या ऐसे ऐसे कुछ रेजिस्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो ये सारे के सारे सीरीज में होंगे, तो इन सब के थ्रू करंट सेम जाएगा आई. तो करंट आई सेम जा रहा होगा, तो हम लिखेंगे कि भाई जे इक्वल्स टू जे ए इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया ऑफ ए एंड जे बी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एरिया ऑफ बी. तो अब एरिया ऑफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ बी है, तो जे बी इज लेस देन जे ए. इसका मतलब जे ए बड़ा है जे बी से. अब एक फॉर्मूला हमें याद हो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई लिखते हैं. अब ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, होमोजीनियस मटीरियल है, मटीरियल इज होमोजीनियस. इसका मतलब रो और सिग्मा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है. ये सिग्मा क्या होता था अगर हमें याद हो? ये सिग्मा जो था ये था हमारा कंडक्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी था. तो ये होमोजीनियस है तो ये कांस्टेंट है, तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आ गया. तो अगर जे ए बड़ा है जे बी से तो ई ए बड़ा है ई बी से. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ए. तो अगेन इजी क्वेश्चन, 60 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए था, बेसिक क्वेश्चन था. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट हमें बोला इन फिगर वन, ये फिगर वन के बारे में ये बात बोली गई है और फिगर टू के बारे में ये बात बोली गई है. ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताए गए हैं. तो अगर मैं फिगर वन को रीड्रॉ करूं, अगर फिगर वन को रीड्रॉ कर लेते हैं ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस शो करके, ये ए है ये बी है, यहाँ करंट जा रहा है 2 एम्पियर, ये ई और ये आर, ये फिगर वन है. और ऐसे ही फिगर टू है, ये ए पॉइंट है, ये बैटरी है. अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसका साइन उल्टा बना दिया, ठीक है. तो ये ऐसे बैटरी है, इसके अंदर ये ऐसे बैटरी है और ये ऐसे ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ई आर, और करंट जा रहा है 3 एम्पियर, ये ए और ये बी. अब अगर मैं वी ए की बात करूं, तो यहां पे अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस से प्लस जा रहा है, तो प्लस का ई, फिर अगेन प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब ऐसे करंट जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो प्लस से माइनस जा रहा है, तो माइनस का आई इंटू आर इज इक्वल्स टू वी बी. तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और आई की वैल्यू कितनी है 2. तो वी बी माइनस वी ए कितना दे रखा है 12 वोल्ट, तो 12 इज इक्वल्स टू ई माइनस 2 इंटू आर. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. बैटरी के अंदर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पोटेंशियल में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो प्लस का ई लिखा गया. फिर रेजिस्टर के अक्रॉस प्लस से माइनस गए तो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो माइनस का आई आर इज इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया वी बी. अब फिगर टू की जब बात करेंगे तो फिर केवीएल लगाएंगे, लिखेंगे वी ए
प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का ई, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस का आई आर इज इक्वल्स टू क्या हुआ, वी बी। तो हमारे पास आया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, अब इसको आई वन ले लेता हूँ, आई वन तो ई प्लस आई वन कितना है 3 एम्पियर, 3 × R, तो वी ए माइनस वी बी मुझे कितना दिया है 15, तो ई प्लस 3 R इज इक्वल्स टू 15। ये आ गई इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन मतलब माइनस कर देंगे तो ई से ई कट जाएगा, तो 5 R इज इक्वल्स टू 3, तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/5। ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो 12 + 2 R इज इक्वल्स टू ई एम एफ, तो ई एम एफ आ गई 12 + 6/5, That is 13.2 volt. ये ई एम एफ है। अगेन इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, हो जाना चाहिए था। तो ई एम एफ 13.2 volt है, 90 seconds का क्वेश्चन था, ईजी था। ये जो चारों क्वेश्चन थे शुरुआत से लेकर अभी तक के, ये सारे ईजी थे, तो ये सभी हमसे हो जाने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हम बात करते हैं। द गैल्वेनोमीटर shown in the figure reads 3 ampere when the ideal voltmeter reads 24 volt. The value of R is equals to 7 ohm. The galvanometer resistance is. तो R की value हमें 7 ohm दे रखी है। मैं फिर से एक बार ये diagram draw करता हूँ, देखना यहाँ पे ऐसे कुछ है circuit, ये voltmeter है। Ideal voltmeter का क्या मतलब होता है सोचो। Ideal voltmeter मतलब कि resistance कैसा होना चाहिए उसका, infinite। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस R है, ये ऐसे सर्किट है। अब हमें बोला गैल्वेनोमीटर 3 एम्पियर करंट रीड कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस करंट जा रहा है 3 एम्पियर। तो ये पूरा फुल डिफ्लेक्शन वाला अपन मान लेते हैं एक बारी को। इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। ये आर है 7 ओम के बराबर, और ये वोल्ट मीटर है। तो अब हमें सवाल में दिया गया कि ये कितना रीडिंग, कितनी है इसकी, 24 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल ए और बी के अक्रॉस होगा उसकी वैल्यू 24 वोल्ट होनी चाहिए। और ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो हम सीधा लिख देंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 3 × x प्लस 7 × 3। मतलब मैं ऑफकोर्स ये प्लस से माइनस जा रहा है, इधर भी प्लस से माइनस जा रहा है, तो एक तरीके से वी बी माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं साइन को भी कंसिडर करूं, बिना साइन कंसिडर करे करूंगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी बी माइनस वी ए होगा, मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है, या फिर मैं केवीएल से पूरा लिख के आपको शो करता हूं। वेट, जैसे हम लिख रहे हैं वी ए से स्टार्ट कर रहे, तो वी ए माइनस 3 × x माइनस 7 × 3 इज इक्वल्स टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 3x + 21। तो ये 7 × 3 ये रेजिस्टेंस और ये करंट है, ये हमें पता है। तो वी ए माइनस वी बी हमें कितना दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 24 वोल्ट। तो हम लिखेंगे 24 इज इक्वल्स टू 3x + 21, 3x इज इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू आ गया 1 ohm। तो ये अगेन इजी क्वेश्चन, फिर से इजी क्वेश्चन था। ये पांचों क्वेश्चन पहले वाले शुरुआत के 1 to 5 क्वेश्चन सारे हमसे हो जाने चाहिए थे, तो ये काफी इजी थे, ठीक है। चलिए सेक्शन टू पे हम बढ़ते हैं। सेक्शन टू का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर मतलब इस पे खुद पे कोई चार्ज नहीं है, ऑफ रेडियस आर, आर ग्रेटर देन आर। पॉइंट पी इज इनसाइड स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर वन from the point charge, then the potential at point P due to induced charges on the sphere is, तो induced charges की वजह से। अब ये Q बाहर की तरफ है, Q बाहर की तरफ है, तो इस पे अगर मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे हमारा चार्ज हमने रखा हुआ है, और ये पॉइंट है P, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R, और ये C पॉइंट है और इसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। ये पॉइंट है P, दिस पॉइंट इज P।
अब ये कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर है इसका मतलब इस पे खुद पे कोई चार्ज नहीं है, तो इंडक्शन होगा। तो ये क्यू चार्ज यहाँ रखे हुए की वजह से इस पे कुछ बाहर की तरफ चार्जेस इंड्यूस होंगे नेगेटिव के, और इधर की तरफ कुछ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं पोटेंशियल पहले लिखूंगा एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर होगा वी सी इज इक्वल्स टू वी ड्यू टू क्यू वन प्लस वी ड्यू टू स्फीयर, और स्फीयर मतलब इंड्यूस चार्जेस, स्फीयर मतलब इंड्यूस्ड चार्जेस। तो वी सी हम लोग लिखेंगे वी ड्यू टू क्यू हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस वी स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस हो गया जीरो, क्योंकि जितने भी चार्जेस हैं उन सब का नेट समीशन तो जीरो ही होना चाहिए, नेट समीशन जीरो और हर चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल है, तो वी एट सेंटर आ गया के क्यू बाय आर। अब सिंस ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी इसका मतलब कि वी एट सेंटर इज इक्वल्स टू वी एट सरफेस और इज इक्वल्स टू वी इनसाइड, तो वो किसके बराबर होना चाहिए के क्यू बाय स्मॉल आर के, के क्यू बाय स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। तो हमने लिखा वी एट पी, जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट पे अब मुझे वी निकालना है, कंडक्टिंग स्फीयर है मैं इसका थोड़ा भर देता हूं इसको, तो वी एट पी निकालना है। तो वी एट पी किस किस की वजह से होगा, एक तो होगा वी ड्यू टू क्यू वन प्लस वी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। अब देखो जो P पॉइंट है ना, जो पॉइंट P है वो हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो इस पे नेट पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस जीरो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर इस पर्टिकुलर केस में, हम वी एट P जो है वो किसके बराबर होगा, V एट सेंटर के, क्योंकि V इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक थ्रू आउट एक ही पोटेंशियल होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस सा बनेगा। तो V एट P हमारा होगा के क्यू बाई आर, नेट ये होगा इज इक्वल्स टू V ड्यू टू क्यू वन, कितना होगा V ड्यू टू क्यू वन, तो कितना डिस्टेंस है R1, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R1, तो V ड्यू टू Q1 हो गया के क्यू बाय आर वन, ठीक है, प्लस V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस हो जाएगा इक्वल टू के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर वन, ठीक है। जो वीएमसी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये क्लास में भी पढ़ा है, क्लास इलस्ट्रेशन टाइप भी है ये, तो आसान था ये भी, अगर हमें कुछ एक दो चीजें हमें पता होती तो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन मान लेंगे कि दिस इज मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी 2,0,0 ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप केप्ट एट ओरिजिन इज। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक हम डायग्राम बना लेते हैं, वाई और एक्स, एक्स और वाई प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, हमारा पॉइंट यहां पे कहीं पे है, दिस इज पॉइंट बी 2,0,0 और हमारा डाइपोल कुछ ऐसा ऐसे रखा हुआ है ओरिजिन पे, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट है आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, ठीक। तो ये आई कैप है, इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो डाइपोल होगा वो होगा आई कैप, और इस डायरेक्शन में जो डाइपोल होगा वो होगा रूट थ्री जे कैप, ठीक है। तो आई कैप वाले को हम ले लेते हैं पी वन और इस वाले को हम ले लेते हैं पी टू। तो पी वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग एक्सियल लाइन, तो इस लाइन के अलोंग ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, और इसकी वजह से होगी नीचे की तरफ E2। तो E1 का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं, एक्सियल पॉइंट है तो 2kp अपॉन r क्यूब, तो r कितना है, r कितना है 2, तो ये आ गया E इज इक्वल्स टू 2k और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं 1 अपॉन 8, दिस इज E1।
सिमिलरली ई टू क्या हो जाएगा, ई टू हो जाएगा 2k इंटू रूट थ्री अपॉन आर क्यूब, सॉरी एक सेकेंड, ई टू हो जाएगा, ये कैसा पॉइंट है ई टू, मतलब इस वाले के लिए ये ई टू पॉइंट इज इक्विटोरियल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के पी अपॉन आर क्यूब, और वो भी माइनस आता है, माइनस किस लिए आता है, ऑपोजिट साइन के लिए, किसका ऑपोजिट साइन, ये पी का, याद है ना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब होता है, और इधर माइनस साइन आता है, तो ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी है, तो हमने पहले ही काउंट कर लिया, तो उस माइनस को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, तो ई टू इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू रूट थ्री अपॉन आर क्यूब, दैट इज एट, तो ये ई टू और ई वन दोनों आ गए, तो जो ई नेट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई नेट, तो ई नेट को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट ओवर के बाय एट में बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा फोर प्लस थ्री, तो दैट इज रूट सेवन के बाय एट, ठीक है रूट सेवन के बाय एट, तो ये आ गया। अच्छा ये इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड है, दूसरा क्या है, दूसरा मेथड और क्या हो सकता है, मेथड टू कि हम ना ये डाइपोल हमारा ऐसा रखा हुआ है, तो इसका ये आई कैप और ये रूट थ्री जे कैप है, तो मैं एंगल निकाल लूँ ये वाला, ठीक है मैं क्या करूँ सिंपली एंगल निकाल लूँ, ये जो भी एंगल है वो मैं निकाल लूँ, ये थीटा निकाल लूँ, तो थीटा कुछ हमारा 60 डिग्री के आसपास कुछ आ जाएगा, ये देखो ना ये रूट थ्री है ये वन है, तो थीटा 60 डिग्री आ जाएगा, फिर ये 2,0,0 है, तो फिर डाइपोल का जो जनरल फॉर्मूला है वो हम लगा दें, के पी अपॉन आर क्यूब रूट में थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है ना डाइपोल का ई एट जनरल पॉइंट, ये लगा दोगे तो इससे भी आ जाएगा, ठीक है ये जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, तो पी जो होता है वो नेट होता है इसमें, इसमें पी इज नेट, तो इससे करोगे तो भी आ जाएगा, ये पी नेट होता है, नेट क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड रख दो इसका, पी का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट में थ्री प्लस वन, तो पी का मैग्नीट्यूड इज टू, तो यहाँ वैल्यू पुट करो ई एट जनरल पॉइंट में, ई एट जनरल पॉइंट में वैल्यू पुट करोगे तो के इंटू टू अपॉन आर इज, आर कितना है आर इज टू, तो एट इंटू रूट में थ्री इंटू वन बाय फोर प्लस वन, तो इसको सॉल्व करोगे तो वही फिर रूट सेवन के बाय एट आ जाएगा, ये मेथड थोड़ा सा डायरेक्ट है तो इससे जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला मेथड वन था, दिस वॉज मेथड वन एंड दिस वॉज मेथड टू, दोनों में से जो मेथड बेटर लगे उससे कर सकते हो, बट क्वेश्चन ईजी था तो ये हो जाना चाहिए था हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, अब क्वेश्चन नंबर एट क्या दे रखा है हमें, रीजन इन स्पेस विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर एंड जेड इज लेस देन जीरो हैज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0,r/2, मतलब ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0,0,r/2, मतलब ये जेड एक्सिस की हमें बात कर रहा है, तो ये पॉइंट है, अगर Z less than 0 has uniform volume charge density rho, तो electric field अगर 0,0,r/2 पे E है, तो electric field at 0,0,-r/2 पे बताओ कितनी होगी, तो -r/2 पे हमसे पूछी गई है, तो अब ऐसे questions के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक hemisphere है नीचे की तरफ, तो ये hemisphere है, तो ऐसा ही एक hemisphere हम ऊपर की तरफ assume कर लेते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, तो ऐसा ही एक हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ अज्यूम किया, अगर इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ई है, तो इस वाले की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ कितनी होगी ई, भाई इस ये जो ऑरेंज, ये जो है ऑरेंज वाला जिसको मैं अभी डार्क येलो टाइप, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ ई है, तो ये पिंक वाले की वजह से इस पॉइंट पे जस्ट नीचे r by 2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ कितनी होनी चाहिए e, अच्छा ये नीचे की तरफ e होनी चाहिए, और सोचो कि अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता, तो कंप्लीट स्फीयर से किसी भी r जनरल डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी एक सॉलिड स्फीयर से जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है e = ρr vector / 3 epsilon naught,
और ये आर वेक्टर की तरफ डायरेक्टेड होती है। तो अगर इसका सेंटर हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं 0,0,0, तो ये जो पॉइंट है आर बाई टू वाला, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरे स्फीयर की वजह से, पूरे स्फीयर की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर कितनी होनी चाहिए, रो इंटू आर बाई टू के कैप, वो भी किसका, माइनस का, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये होगी रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस का के कैप, ठीक है। तो अब ये वाला जो ऑरेंज वाला जो स्फीयर है, अब देखना ध्यान से जरा, मैं सिर्फ इस स्फीयर को अकेले बना रहा हूं, नीचे वाले हेमिस्फीयर को अकेला बना रहा हूं। नीचे वाले हेमिस्फीयर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, मान लेते हैं ऊपर की तरफ कुछ ई डैश होगी, ठीक है, नीचे वाले की वजह से। अच्छा, ऊपर वाला जो था, ये जो पिंक वाला हमने ड्रॉ किया हेमिस्फीयर, इसकी वजह से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। तो मैं लिख सकता हूं कि, और नेट किधर आ रही है, नीचे की तरफ, तो मैं लिख सकता हूं कुछ कि ई डैश माइनस ई इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, माइनस रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के, या ई माइनस ई डैश होना चाहिए। एक सेकेंड यार, हाँ, तो ई डैश माइनस ई इज इक्वल्स टू माइनस रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के कैप आ गया। तो ई डैश इज इक्वल्स टू आ गया ई माइनस रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के कैप, तो ये ई डैश की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये माइनस मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, ठीक है, जैसे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये ई डैश माइनस ई माइनस ई डैश कुछ होना चाहिए, बट वो मैंने माइनस के साथ इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन जोड़ लिया है, ये माइनस के कैप जो है ये डायरेक्शन मैंने जोड़ लिया है, तो डायरेक्शन जोड़ने की वजह से फिर ये ई डैश माइनस ई में लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन नहीं जोड़ा होता तो फिर कुछ अलग आ जाता, फिर मैं ई माइनस ई डैश लिख करके फिर इक्वल करता, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें बोला गया कि द प्लेट एस एंड टी ऑफ एन अनचार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड। अच्छा, हमने चार्ज करके फिर इसको डिसकनेक्ट कर दिया। द प्लेट्स आर नाउ कनेक्टेड इन अ सिस्टम एज शोन इन द फिगर, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, All the strings are insulating and massless. The magnitude of charge on one of the capacitor plate is. तो एक किसी भी एक प्लेट पे मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें बैलेंस करने होते हैं फोर्सेस। तो फोर्सेस बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, ये एस और ये टी, ये एस ले लिया, ये टी ले लिया। तो अगर इसमें माइनस क्यू मान ले, इस पर प्लस क्यू मान ले, तो इसकी वजह से यहाँ पे इस तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा एफ। उस फोर्स एफ को कैसे निकालेंगे, तो एफ के लिए पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो फोर्स को लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू इंटू ए, सॉरी क्यू अपॉन ए इंटू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो फोर्स लगेगा किसी भी एक प्लेट पे दूसरे की वजह से, हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज फोर्स। अब जरा फोर्स की बैलेंसिंग करते हैं। तो स्प्रिंग, और पहले मैं इस वाले सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये प्लेट पे फोर्स इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है और इस डायरेक्शन में के एक्स लग रहा है, तो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स होना चाहिए। फिर अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ, तो इस ब्लॉक में नीचे की तरफ एम जी लग रहा है और ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखना जरा, ये विजिबल होना चाहिए आपको, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं ए की, तो मैंने बोला फॉर पॉइंट ए। तो जब मैं पॉइंट ए की बात करूंगा, तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए के एक्स और इस डायरेक्शन में होना चाहिए टी। तो अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में, तो टी इज इक्वल टू क्या है, एम जी, और यहां पर टी इज इक्वल्स टू क्या है, के एक्स, और एफ इज इक्वल्स टू क्या है, के एक्स, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी। ये सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड होने चाहिए। तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई एम जी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2 mg a एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ 2 mg a एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज आ गया, दिस इज द चार्ज, ठीक है।
तो ये अगेन इजी क्वेश्चन, फोर्सेस को बैलेंस करना था बस, 90 सेकंड्स का क्वेश्चन था, अगेन इजी था। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 8th में हो सकता है हमें हल्की सी दिक्कत हो, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन हमसे हो जाने चाहिए थे क्योंकि बेसिक फोर्स बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10th पे हम लोग आ जाते हैं। ये मैंने पिछले क्विज में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे कि जब भी ऐसा कोई सवाल आता है जिसके अंदर हमें ये आइडिया नहीं होता कि आगे कैसे बनाना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो हम क्या करते हैं ऐसे सर्किट्स को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो रीड्रॉ करने का मतलब है जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो मैंने इस पॉइंट को एक्स मान लिया, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया एक्स। अगर इस पॉइंट को मैंने वाई माना तो ये पॉइंट भी क्या हो गया वाई। ठीक है, अब मैं रीड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया ए, यहाँ पे मैंने ले लिया बी, जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना होता है उन दोनों को एंड्स पे, बाकियों को बीच में। तो ए के साथ कौन आ रहा है एक्स, तो ए के साथ एक्स, बी के साथ कौन आ रहा है वाई, तो बी के साथ वाई। तो ए और एक्स के बीच में पहला कैपेसिटर 13 माइक्रोफेरेड, फिर ए और एक्स के बीच में दूसरा कैपेसिटर 17 माइक्रोफेरेड, फिर एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड, फिर ए और वाई के बीच में एक कैपेसिटर 6 माइक्रोफेरेड, फिर वाई और बी के बीच में 1 माइक्रोफेरेड, और अगेन वाई और बी के बीच में 1 माइक्रोफेरेड, और फिर एक्स और बी के बीच में 10 माइक्रोफेरेड। ये कुछ नेट हमारा सर्किट बन गया। अब अगर मैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आ जाएगा 30 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड और ये बन गया 2 माइक्रोफेरेड, ये ऐसे। और यहाँ से एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड और ये कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड। तो अब ये कुछ वीक स्टोन सा नजर आ रहा है। तो अगर ये वाला कैपेसिटर ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो तो 60/30/6 तो 5, 10/2 तो भी 5, तो मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो मतलब बीच वाले में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बीच वाले में से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो फर्दर सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ये ऐसे और ये वाला सर्किट ऐसे कुछ, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया 30 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 10 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड और ये हो गया 6 माइक्रोफेरेड। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में। तो ऊपर वाले का इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, आर वन इज इक्वल्स टू 10 × 30/10+30 दैट इज 40, तो ऊपर वाले का आ गया 7.5 माइक्रोफेरेड आर वन, और ये मतलब ये वाले का देखना, इस वाले का दिस इज आर वन और इस वाले का विल बी आर टू, तो आर टू आ गया 6 × 2/8 तो 4 दैट इज 3/2 तो 1.5 माइक्रोफेरेड, ये आर टू आ गया। तो आर नेट जो आएगा इक्विवेलेंट, आर मतलब मैंने आर नाम दे दिया, सी इक्विवेलेंट बोल लेते हैं हम इसको, ठीक है, वहां पे आर वन आर टू कोई फर्क नहीं पड़ता, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, ये आ जाएगा हमारा 9 माइक्रोफेरेड। तो दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इजी था, ज्यादा मतलब कोई ऐसा टफ नहीं था, हो जाना चाहिए था हमसे, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th तक हमारा हो गया है, ये भी इजी था। तो 10 में से अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे 10 में से हमसे 8 तो होने ही चाहिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द सर्किट शोन बिलो हैज बीन इन द सेम स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर ए। तो ये कैपेसिटर ए है, इस पे मुझे नेट चार्ज निकालना है, कैपेसिटर ए पे मुझे नेट चार्ज निकालना है। तो ए पे अगर मैं नेट चार्ज निकालना चाहूँ तो देखो, तो ये जीरो है, देखो ये जो है ये जीरो है, तो ये जीरो है, तो ये वाला जो है ये 50 हो जाएगा जंक्शन, ये 50 और ये जीरो। तो मतलब अगर इस सर्किट को मैं ऐसे बना लूँ ना, यहाँ पे एक ऐसी बैटरी बना लूँ 50 वोल्ट की, तो भी सही होगा, ठीक है, ऐसी अगर एक बैटरी बना लूँ। तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, जरा देखना, ये 4, ये 2,
ये फिर टू और ये फोर और ये इसके अक्रॉस ऐसी बैटरी 50 वोल्ट. तो ये 4 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड. तो अब सिंपल क्या करूं, इसका इस पूरे का इस वाले का मैं इक्विवेलेंट निकाल लूं, इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लूं और फिर सी इक्विवेलेंट चार्ज निकालने के लिए सी इक्विवेलेंट इंटू वी कर दूं. तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, सी इक्विवेलेंट मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 अपॉन 6, 4 प्लस 2 तो दिस इज 3, तो ये आ गया 4 बाय 3 माइक्रोफेरेड. दिस इज सी इक्विवेलेंट. तो जो चार्ज आएगा Q उसको सी इक्विवेलेंट इंटू वी लिख सकते हैं. तो 4 बाय 3 इंटू 50 तो दिस विल बी 200 बाय 3 माइक्रो कूलम, ये आ जाएगा. ठीक है, 200 बाय 3 माइक्रो कूलम आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर ए हो जाएगा. ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, काफी इजी था. ओके, क्वेश्चन नंबर 12th. अब जब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना हम, तो क्वेश्चन देख के हमें थोड़ा सा डर सा लगता है कि ये हमसे कैसे सॉल्व होगा. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखना जरा सॉल्यूशन इसका. अगर मान लो मैं कोई भी एक ऐसी रिंग बना लूं, ठीक है, ऐसी एक रिंग मैंने बना ली जिसका लेमडा कूलम पर मीटर है चार्ज डेंसिटी, तो इसका रेडियस मान लो आर. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना इस पॉइंट पे, वो इस डायरेक्शन में होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लेमडा बाय आर. ये हमें याद होना चाहिए. तो हमने क्या किया, इसको रीड्रॉ किया, ये ऐसा कुछ है, रीड्रॉ किया. तो अब यहां से लेकर के यहां तक थ्रू आउट ऑफ सिग्मा तो सेम है, ए से लेकर के बी तक सिग्मा तो सेम है, ए से बी तक सिग्मा तो सेम है, लेकिन ये डिस्टेंस अलग अलग है. तो मैंने क्या किया, यहां से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गया और एक dx थिकनेस की एक छोटी सी रिंग वाली स्ट्रिप मानी. तो जो ये छोटी सी रिंग वाली स्ट्रिप मानूंगा, तो इसके लिए जो सिग्मा है कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसका लेमडा जो होगा, लेमडा ऑफ रिंग फॉर dx थिकनेस, लेमडा ऑफ रिंग फॉर dx थिकनेस को मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू dx. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो स्मॉल dE, उसकी वैल्यू आ जाएगी k2k इंटू सिग्मा इंटू dx अपॉन रेडियस x. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं लिखा dE इज इक्वल्स टू 2k सिग्मा dx अपॉन x, दोनों साइड क्या कर दूंगा इंटीग्रेट. तो x की लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, पहली स्ट्रिप जो आएगी वो यहां आएगी और आखिरी यहां आएगी. तो स्टार्टिंग लिमिट है a और एंडिंग लिमिट है b, तो a टू b. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई e, वो आई 2k सिग्मा इंटू ln b बाय a. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई. अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की. तो अगर कोई भी एक रिंग एलिमेंट होता है, जैसे मान लो ये छोटा रिंग एलिमेंट था dx थिकनेस का, तो ये dx थिकनेस का छोटा रिंग एलिमेंट है, ये x है. तो अगर मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पूरे dx थिकनेस का चार्ज निकालना पड़ेगा मुझे dq. तो जो पोटेंशियल होगा dV वो हो जाएगा k dq अपॉन x. तब dq कैसे निकालूं, तो dq निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी पाई एक्स, लेंथ हो जाएगी पाई एक्स और थिकनेस कितनी है dx. तो इसका एरिया कितना हो गया, मतलब अगर आप वैसे सोचो तो इसको हम अगर फैला के लिख लें, तो ये लेंथ हो जाएगी पाई एक्स और ये थिकनेस हो जाएगी इसकी dx. तो जो इसका dq चार्ज होगा उसे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई एक्स इंटू dx. ठीक है, तो जो पोटेंशियल आएगा dv उसे मैं लिख सकता हूं k इंटू dq अपॉन x, दैट इज k इंटू सिग्मा इंटू पाई एक्स इंटू डी एक्स अपॉन x. तो x से x कैंसिल, दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेट. तो v कितना आ जाएगा k, लिमिट कहां से कहां तक, x की लिमिट कहां से कहां तक है, a से लेकर के b तक, क्योंकि a से स्टार्ट हो रहा है और b पे खत्म हो रहा है, तो a से लेकर b तक इसकी लिमिट है. तो हम लिखेंगे फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b, तो k
सिग्मा पाई बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा b माइनस ए। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये e है और ये v है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k सिग्मा ln b बाय a, तो 2k सिग्मा ln b बाय a आ रहा है, तो a ऑप्शन तो हो गया गलत, a ऑप्शन तो सही नहीं है। ऑप्शन बी देखो, v इज इक्वल्स टू k सिग्मा पाए b माइनस a का होल स्क्वायर, तो k सिग्मा पाए b माइनस a है, स्क्वायर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ई बाई वी करते हैं, तो ई बाई वी जब हमने किया तो आया 2k सिग्मा ln b बाई a अपॉन k सिग्मा पाए b माइनस a, तो के सिग्मा कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो ई बाई वी जो आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन पाए, देखना b माइनस a, देखो मैं इसमें यहां लिख रहा हूं 1 अपॉन पाए b माइनस a ln b बाई a का होल स्क्वायर, तो ये e बाई वी वाला मैच कर रहा है, e बाई वी वाला मैच कर रहा है, तो इसलिए आंसर करेक्ट इसका c है। तो ये इसको हम टफ कैटेगरी क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह यूज हो गया इसलिए थोड़ा टफ भी लग सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक मिनट के लिए भी देखने दे रहा हूँ ये, तो ये कुछ सॉल्यूशन है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिगर कंसिस्ट ऑफ टू स्क्वायर्स मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये लेमडा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मुझे गिवन है, तो मैं इस वाले लेंथ का, ये a बाई टू सब कुछ गिवन है, तो देखो ये वाली जो लेंथ है ये भी a बाई टू, ए मतलब ये a बाई टू, तो ये a हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ है ना ये पूरी लेंथ ये a हो जाएगी, ये पूरी लेंथ a हो जाएगी, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, तो ये x माना तो 2x square equals to a, तो x equals to आ गया a by root 2, x is a by root 2, तो अब resistance इसको r मान लेते हैं, तो r is equals to क्या हो गया lambda into length, length is a by 2, ठीक है, तो इसका resistance कितना होगा, इसका resistance हो जाएगा R1 हो जाएगा lambda into a by root 2, तो इसको root 2 से multiply, root 2 से divide करेंगे, तो R1 आ जाएगा root 2 times of R, इसका resistance R1 मान लिया, इसका resistance R मान लिया, तो जरा ऐसे ही देख के ना इस डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं, देखना ये A पॉइंट है, ये यहाँ से ये ऐसे एक रेजिस्टर, सेकंड रेजिस्टर, थर्ड, फोर्थ, इधर एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर, ऐसे, और इसके बीच में ये स्क्वायर, तो ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये भी एक रेजिस्टर और ये भी एक रेजिस्टर, और ये पॉइंट हो गया पूरा B। तो अब इसमें आ गया जैसे ये और ये मेन ब्रांच है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो ये मेन ब्रांच है, तो मेन ब्रांच के पैरेलल एक्सिस ऑफ कुछ सिमेट्री आ गई, देखो ये मतलब ये रेजिस्टर ऐसा यहाँ तक आ जाएगा ऐसे कुछ, और ये भी कुछ यहाँ तक ऐसे आ जाएगा, तो ये रूट टू आर, ये भी रूट टू आर, ये भी रूट टू आर, ये भी रूट टू आर, ये आर, ये भी 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 आर, और ये भी आर रेजिस्टर, तो ये इसमें कुछ ये पैरेलल एक्सिस ऑफ कुछ सिमेट्री आ गई, दिस इज द पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ अगर वी तो यहाँ भी वी, तो ये कट जाएगा, सिमिलरली अगर यहाँ पे वी वन तो यहाँ पे भी वी वन, तो ये भी कट जाएगा, तो जो इसका नेट इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे एक रजिस्टर यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर ऐसे, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और फिर यहाँ पे एक रजिस्टर, और यहाँ पे एक रजिस्टर, और एंड में ये मिल गया, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ए, और यहाँ से यहाँ पे एक रजिस्टर है ऐसा, और यहाँ से यहाँ भी एक रजिस्टर है ऐसा, तो इसकी वैल्यू है रूट टू आर, इसकी वैल्यू रूट टू आर, इसकी वैल्यू आर 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 और आर और आर। तो अब ये जो आर और आर है, ये वाला जो रजिस्टर है आर और ये वाला जो रजिस्टर है आर, ये हो गए टू आर, तो 2R और ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 2R और ये इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 2R और इस R का इक्विवेलेंट निकालना है, तो मतलब ये मैं ऐसा कुछ
अलग से इसका बना रहा हूँ, मतलब इस पूरे का मैं ये जो इक्वलेंट आ रहा है इसको कुछ आर वन नाम दे रहा हूँ, तो आर वन को मैं आर टू देता हूँ, चलो आर वन ऊपर दे दिया, तो आर टू को क्या लिख सकता हूँ, रूट टू आर इंटू टू अपॉन रूट टू प्लस टू, तो ऐसा कुछ आ गया। तो ये आ गया मेरा आर टू इज इक्वल्स टू टू रूट टू आर अपॉन टू प्लस रूट टू, समझ गए, ये इसका इक्वलेंट निकाला है, इस वाले का इक्वलेंट निकाला है, ठीक है, मतलब होता है ना आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो वही मैंने यूज कर लिया सिंपल, तो ऐसा कुछ आ गया। तो मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको ना रैशनलाइज कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी रूट टू माइनस वन सॉरी टू माइनस रूट टू से और टू माइनस रूट टू से, तो ये टू माइनस रूट टू से ऊपर क्या, तो फोर रूट टू माइनस फोर इंटू आर अपॉन टू फोर टू, तो टू आ गया नीचे, तो मतलब ये जो आर टू की वैल्यू आई, आर टू की वैल्यू आई फोर रूट टू माइनस फोर अपॉन टू इंटू आर, तो ये आ गया टू रूट टू माइनस टू इंटू आर। तो सर्किट अब बना ऐसा, ये रजिस्टर आर, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये ऐसे, और सेम यहाँ भी है, तो ये ऐसा कुछ रजिस्टर बना, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो ये बना आर टू, ये बना आर और ये बना आर, ये भी आर, ये आर टू और ये आर, सिमेट्रिक है। तो अगर ऐसा बन गया तो अब क्या करें कि ये आर आर, तो इसका नेट इक्वलेंट निकाल लेते हैं, इसका नेट इक्वलेंट निकाल लेते हैं, तो इसका नेट इक्वलेंट आएगा आर इक्वलेंट डैश, वो आ जाएगा आर टू आर प्लस आर टू, तो आर टू की वैल्यू तो है ही हमारे पास, तो हम लिखेंगे टू आर प्लस टू रूट टू माइनस टू इंटू आर, तो ये आ गया टू रूट टू आर, ये आर इक्वलेंट डैश आ गया। तो सर्किट नेट इक्वलेंट बना ऐसा, एक रजिस्टर यहाँ और एक रजिस्टर यहाँ, ये ऐसे और ये ऐसे, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, ये भी है टू रूट टू आर और ये भी है टू रूट टू आर, तो जो आर इक्वलेंट आया नेट वो आ गया रूट टू टाइम्स ऑफ आर, ठीक है, ये आ गया रूट टू टाइम्स ऑफ आर, और आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू थी लेमडा ए बाय रूट टू, सॉरी लेमडा ए बाय टू, तो आर इक्वलेंट आ गया रूट टू टाइम्स ऑफ लेमडा ए बाय टू, तो आर इक्वलेंट आ गया लेमडा ए बाय रूट टू, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, टफ मतलब कि कैलकुलेशन ज्यादा है, कंसेप्ट तो एक ही था, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, बाकी कंसेप्ट तो एक ही था कि ये कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें बोला गया कि एन आइडेंटिकल बल्ब्स ईच डिजाइंड टू ड्रॉ पावर ऑफ पी वॉट्स फ्रॉम अ सर्टेन वोल्टेज सप्लाई आर जॉइंड इन सीरीज एंड दैट कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस दैट सप्लाई, द पावर कंज्यूम्ड बाय वन बल्ब विल बी, अच्छा हर एक को पी पावर डिजाइंड है कोई सर्टेन वोल्टेज सप्लाई, तो मतलब बहुत सारे बल्ब हैं, बहुत सारे बल्ब हमने ले लिए, एन बल्ब ले लिए, ऐसे अप टू सो ऑन एन बल्ब हैं कुछ, इनको जब सबको एक वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया वी के, तो इन सब ने पावर कुछ खाई होगी, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि ईच डिजाइन टू ड्रॉ पावर ऑफ पी वॉट्स फ्रॉम ए सर्टेन वोल्टेज सप्लाई आर जॉइंड इन सीरीज एंड दैट कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस दैट सप्लाई, तो हर एक बल्ब ने कितनी पावर खाई, अब तो इस बल्ब की पावर मान लेते हैं पी वन, तो पहले इसका रेजिस्टेंस तो निकाल लें, आर तो निकाल लें इसका, तो रेजिस्टेंस आर निकालना जरूरी है, सीरीज में जोड़े हैं, तो रेजिस्टेंस आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बल्ब को कनेक्टेड मान लेंगे सेम वोल्टेज सप्लाई वी के अक्रॉस और इसकी पावर है पी, पी वॉट है हर एक की, तो ये वी, तो हमने लिखा पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब आ गया वी स्क्वायर बाय पी, ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, ये आया, अभी आ गया, तो अब इसका रेजिस्टेंस भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, तो सर्किट में जो करंट होगा आई, आई को क्या लिख सकते हो वी अपॉन एन आर, आई इज वी अपॉन एन आर, तो आई अगर वी अपॉन एन आर है तो सर्किट में जो करंट आएगा ये आई इक्वल टू वी बाई एन आर है, तो पावर वन पी वन जो डेवलप होगी उसे लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आर वन, तो पी वन हो गई आई स्क्वायर की वैल्यू मतलब वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर वन दैट इज आर, तो एक आर से एक आर कट गया,
एक आर की वैल्यू ये रही, यहाँ पुट कर देंगे तो पी वन इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इंटू पी, तो वी से वी कट गया, ये आ गया पी बाय एन स्क्वायर। तो एक बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम करी, पी बाय एन स्क्वायर। तो आंसर ऑफ 14th इज डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा ये 14th भी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15th पे बढ़ते हैं। तो हमें बोला द करंट थ्रू 5 वोल्ट बैटरी इज, बैटरी इज आइडियल, तो 5 वोल्ट की बैटरी के थ्रू कितना करंट आया। तो देखो ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। तो ये तीनों सेम पोटेंशियल पे क्यों ना मान ले, हम तीनों को ज्वाइन क्यों ना कर दें, सेम ही है। तो सर्किट जो बनेगा फाइनल डायग्राम वो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। इधर की तरफ मान लेते हैं 6 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में, ये बैटरी है, ये ऐसे कनेक्टेड है, और ये ऐसे 2 ओम है, और ये 5 वोल्ट है। करंट पूछा है, तो यहाँ पे मान लो करंट I1 गया, यहाँ पे करंट I2 गया, यहाँ पे से I आया, तो I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख सकते हो। I1 कितना होगा, I1 इज V बाय R मतलब 5/2, और I2 इज V बाय R मतलब 5/6। तो I नेट कितना है, I इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 5/6, तो LCM आ गया 6, 15 प्लस 5 दैट इज 20/6 दैट इज 10/3, ये आ गया I एम्पियर, ये करंट है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगेन इसका आंसर डी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन हमारी वर्कबुक में भी है, तो अब मैं इसको यहीं बना रहा हूँ, देखना जरा। ये 35 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट है। चलो इसको दोबारा डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, हमें ऐसा कुछ सर्किट दिया है, सभी की पोलैरिटी सेम है, इसको छोड़ के देखो आप, फिर से मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम को, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ड करके सोच के करोगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें ए दे रखा है और ये पॉइंट हमें बी दे रखा है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 35 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, और ये 20 वोल्ट है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये 35 है, तो ये 35 हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। अगर ये 35 तो ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, और ये भी 35। तो एक का तो सीधा आंसर आ गया, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 35 है, तो सी तो करेक्ट है। अब बात करते हैं ए और बी की। तो ऐसे क्वेश्चन में अब क्या करना है हमें, जैसे यहां पे वोल्टेज है 35 वोल्ट, यहां पे 35 है, तो ये 35 माइनस 20, तो यहां पे कितनी बची, 15। 35 प्लस 15, तो ये कितना हो गया, 50। भाई माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़ेगा ना पोटेंशियल, तो ऐड हो जाएगा। 35 माइनस 30, तो ये 5। 35 माइनस 60, तो ये माइनस का 25, ठीक है, और ये 35 का 35। तो यहां पे करंट जो जा रहा होगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो हाई टू लो, तो करंट जा रहा है 5/15/5, तो 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। फिर ये 50, तो 50 माइनस 0, तो फिर करंट नीचे की तरफ जाएगा, हाई टू लो, तो फिर ये हो गया 5 एम्पियर। 5 to 0, तो करंट कितना गया यहाँ पे, 1 एम्पियर। फिर ये, अब ये लो पोटेंशियल है, -25 इज लो पोटेंशियल एंड दिस 0 इज हाई पोटेंशियल, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ, इसमें करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, कितना होगा, 2.5 एम्पियर। तो यहां से ये 1 + 5 + 3, तो ये हो गया 8, 1 9, 9 - 2.5, तो 6.5, ठीक है, हाँ, तो ये 6.5, तो इसमें करंट जा रहा है 6.5 एम्पियर। तो फिर आगे कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो करंट थ्रू 15 वोल्ट सेल, तो 15 वोल्ट सेल ये रहा, इज 5 एम्पियर, तो ये ठीक है, तो स्टेटमेंट ए इज ऑल्सो करेक्ट।
करंट थ्रू 35 वोल्ट सेल इज 15.5, तो इधर तो 6.5 है, तो बी हो गया गलत. करंट थ्रू 30 वोल्ट सेल इज 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर, तो डी भी ठीक है. तो इसलिए इसका आंसर ए सी और डी. तो रीड्रॉ कर लेते तो बड़े आराम से हो जाता, आसान क्वेश्चन था, ये भी हो जाना चाहिए था हमसे. क्वेश्चन नंबर 17th. तो 17th क्वेश्चन को देखना जरा, मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ एक बार. जैसे जैसे मुझे जो जो चीजें क्वेश्चन में दी गई है वैसे वैसे मुझे उठानी है, तो एक बार अपन इसको रीड्रॉ कर लेते हैं. तो ठीक है, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार जरा. तो जब हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो ये सर्किट है. अभी ये पॉइंट एक है, एक पॉइंट ये है, ये रेजिस्टर है आर, और ये रेजिस्टर है आर वन, ठीक है, और ये 69 वोल्ट है. तो देखो ये M पॉइंट, ये N पॉइंट, तो M और P के बीच में एक ये रहा, ये M है तो ये भी M ही होगा ना. इस वाले का पोटेंशियल और इस वाले का पोटेंशियल सेम ही होगा. तो ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर, ये तीनों पैरेलल में हैं. पैरेलल में तो मैं इनको पैरेलल ही ड्रॉ करूंगा ऐसे, और ये ऐसे. तो ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, और ये R1 है. अब यहां पे जो करंट है ये है 0.5 एम्पियर, यहां पे करंट है 1 एम्पियर. अच्छा, तो ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है, मतलब अगर इसको मैं M और इस पॉइंट को P मान रहा हूं, तो Vm माइनस Vp किसके बराबर होना चाहिए, 20 × 1, तो ये 20 वोल्ट होना चाहिए. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुड ऑल्सो बी 20 वोल्ट. तो यहां पे करंट कितना आना चाहिए, 20/10, तो 2 एम्पियर का करंट आना चाहिए. और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, तो 0.5 × R1 किसके बराबर, 20 के, तो R1 किसके बराबर, 20/0.5, तो R1 होना चाहिए 40 ओम के बराबर. तो करंट थ्रू NP, तो ये N था पॉइंट और ये P था, मतलब एक तरीके से, तो NP के थ्रू जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है, पर अपना तो 2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत. वैल्यू ऑफ R1 इज 40 ओम, तो ये ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक है. फिर हमें बोला R की वैल्यू निकालनी है. तो देखो यहां पे करंट 0.5 आया, यहां पे 2 आया, यहां पे 1 आया, तो यहां पे करंट कितना आएगा, 2 + 1 + 0.5, तो 3.5 हमारे पास करंट आ जाएगा. 2 × 1 = 3 ½, 3.5 एम्पियर करंट आ गया, और ये 69 वोल्ट है, ठीक है. अब यहां पे जीरो पोटेंशियल है. देखो यहां पे अगर मैं 20 मान रहा हूं तो यहां पे जीरो मानना पड़ेगा, है ना भाई, यहां 20 तो यहां पे जीरो. सिमिलरली अगर यहां 20 तो यहां पे जीरो, तो यहां 20 है, ये जीरो है, तो ये कितना है, 69. ये 69, तो ये भी कितना है, 69. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 49. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R इज 49 वोल्ट्स, तो ये भी ठीक हो गया. अब R की वैल्यू निकालनी है, तो करंट कितना है, फॉर रेजिस्टेंस R, फॉर रेजिस्टेंस R करंट कितना है, I इज इक्वल्स टू 3.5 एम्पियर, और डेल्टा V कितना है, 49 वोल्ट. तो 49 = 3.5 × R, तो 49/3.5 ये हटा तो × 10 आ गया, तो ये 2, तो ये 7, तो ये 7, तो R इज इक्वल्स टू आ गया 14 ओम. तो R 14 है, तो ऑप्शन सी भी ठीक है. तो ये कुछ ऐसा था, R इज इक्वल्स टू 14 ओम, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है. तो ये भी ठीक क्वेश्चन था. तुम सोच रहे होगे ये तो हर क्वेश्चन को इजी बोल रहे हैं, पर मतलब ठीक है, क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं था. 150 सेकंड, मतलब 2.5 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, तो ये 120 सेकंड, 2 मिनट तक ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी इज पार्ट ऑफ अ सर्किट एज शोन दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 50 वॉट. E is an EMF device that has no internal resistance. तो कोई internal resistance नहीं है, ठीक है. तो potential difference across AB is 48 volt. अच्छा, 50 watt है. ये देखो question में hint है. 50 watt ये हमें given है. तो 50 watt given है मतलब यहाँ से यहाँ कुछ energy absorb हो रही है 50 watt. तो energy 50 watt absorb हो रही है. इसका मतलब potential difference energy कितनी है? 50 joule per second energy absorb हो रही है. तो मतलब basically potential difference across AB. Across AB कितना होना चाहिए,
50 वोल्ट, ये मैंने कैसे बोल दिया भाई? क्योंकि सर्किट में करंट 1 एम्पियर का है, तो करंट 1 एम्पियर है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट होगा, तभी तो पावर 50 वॉट आएगी। तो मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ऐसा है तो सर्किट बनाओ, ये ए पॉइंट है, ये करंट है और ये ईएमएफ है ऐसी, ये बी है। अच्छा, अब पहला बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 48 वोल्ट, तो ए तो गलत हो गया क्योंकि 50 वोल्ट होना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो सरासर गलत है। ईएमएफ ऑफ द डिवाइस इज 48 वोल्ट, तो ईएमएफ ऑफ द डिवाइस 48 वोल्ट है, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मतलब वी ए माइनस 2 इंटू 1 माइनस ई इज इक्वल्स टू वी बी, ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस ई, ठीक। या फिर और क्या हो सकता था, या ऐसा डायग्राम हो सकता था, ये बी और ये ए, ये कितना दे रखा हमें 2 ओम दे रखा है, ये 2 है और ये ई है, या तो फिर ऐसा हो सकता है वी ए माइनस 2 प्लस ई इज इक्वल्स टू वी बी, तो एक आ सकता है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई माइनस सॉरी 2 माइनस ई, एक इक्वेशन ये बन सकती है। तो जब ऐसी इक्वेशन बनेगी तो अब करंट का डायरेक्शन देखो, करंट इस डायरेक्शन राइट तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो ये विजिबल नहीं है शायद आपको, मैं थोड़ा, हाँ तो ये लोअर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल, और ये है हायर पोटेंशियल, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वी ए माइनस वी बी जो है इसको तो हर हाल में कितना होना पड़ेगा, 50 इज इक्वल टू 2 प्लस ई, तो ई कितना आ गया 48 वोल्ट, और इधर भी 50 इज इक्वल टू 2 माइनस ई, तो ई कितना आ गया माइनस का 48 वोल्ट। तो मतलब कुछ भी कर लो ये वाला डायग्राम करेक्ट है, क्योंकि जब मैं ये ले रहा हूं तो ऑटोमेटिकली माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब डायग्राम दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, तो ईएमएफ ऑफ द डिवाइस इज 48 वोल्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, नो, दिस डायग्राम इज करेक्ट, तो बी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो सी गलत हो गया। रेट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी इज 48 वॉट इन डिवाइस ई, तो रेट ऑफ कन्वर्जन जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ, ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूं, तो रेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ई इंटू आई के, तो ई कितना दे रखा है मुझे 48 और करंट कितना है 1, तो 48 वॉट के बराबर है, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बी करेक्ट है, और ए और सी गलत है। तो कैसे हुआ ये पता होना चाहिए, दोनों केसेस लेकर के फिर चलना है आगे, तभी पूरा समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉब ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग एज शोन, पॉइंट चार्ज क्यू इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉब अलॉन्ग लाइन, द चार्ज मूव is moved slowly such that the bob always remains nearly in equilibrium. In the final situation, the string makes an angle 60 degree with the vertical, then find. तो ये कुछ ऐसा सा डायग्राम फाइनली बन रहा है, देखना ये वाली स्ट्रिंग यहां चली गई है और ये कुछ यहां है ब्लॉक, ये कुछ 60 डिग्री का एंगल है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं x, ठीक है भाई, ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है, तो इसको इससे ज्वाइन किया, तो ये जो लेंथ है ये कितनी है L cos 60, मतलब ये हो गई L by 2। अच्छा, इसको मैं X मान लेता हूँ, दिस इज X, एंड इफ दिस इज 60 तो दिस इज 90 तो दिस इज 30, ठीक है जी। अब ये 30 है तो इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो ये L का L cos 60 और ये वाला जो लेंथ हो गया ये हो गया L sin 60 और ये X है, तो x के अकॉर्डिंग ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी x cos थीटा और ये वाली लेंथ हो जाएगी x sin थीटा। तो अगर डायग्राम से देखा जाए तो x cos थीटा किसके बराबर है, l sin 60 के, और x sin थीटा किसके बराबर है, l by 2 के,
ठीक है। हाँ ये एल बाई टू, ये पूरा एल तो ये एक्स साइन थीटा एल बाई टू हो गया। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिखूँ तो ये रूट थ्री एल बाई टू हो गया। तो ये वन है और ये टू है, तो वन डिवाइडेड बाई टू करो, वन डिवाइडेड बाई टू करोगे तो आएगा एक्स तो साइन थीटा अपॉन एक्स कॉस थीटा बराबर है एल बाई टू अपॉन रूट थ्री एल बाई टू। तो ये एल बाई टू कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो टैन थीटा आ गया वन बाई रूट थ्री। तो ये इससे थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये थीटा भी 30 डिग्री है, और अगर ये 30 डिग्री है तो एक्स किसके बराबर है, एल के। ठीक है, एक्स किसके बराबर है, एल के, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब इसका अगर मैं एफ बी डी बनाऊं, इसका अगर मैं एफ बी डी बनाऊं इस बॉब का, तो ये यहां से ये ऐसे है, तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बीच का डिस्टेंस एल है, तो एफ की वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा, यहां लग रही होगी टेंशन टी, और नीचे लग रहा होगा एम जी, और ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। ठीक है, ये कैसे 30 हो गया, क्योंकि ये 30 है जी, तो ये 30, ये 30, ये भी 30, तो ये टी कॉस 30, और ये हो गया F cos 30। तो इक्विलिब्रियम के लिए T cos 30 शुड बी इक्वल्स टू F cos 30, तो T इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, F, T इज इक्वल टू हमारे पास F होना चाहिए। तो अगर T इज इक्वल टू F है तो अब और ऊपर की तरफ क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक लग रहा है T sin 30 और एक लग रहा है प्लस F sin 30, तो ये भी बेसिकली या तो टी या तो एफ के बराबर हो गया, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही। ठीक है, तो अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे टी इज इक्वल टू एफ, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज बेसिकली इक्वल टू एफ, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द सिस्टम, तो देखो मैं यही बना रहा हूं, जब ये ऐसे है तो ये कितना डिस्टेंस ऊपर गया, L बाई टू, एल बाई टू ऊपर गया, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ कितना है, माइनस एम जी एल बाई टू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव में, और एम जी की वैल्यू किसके बराबर है, या तो T के या फिर F के। देखो ना इस डायग्राम से ऊपर की तरफ या तो T या फिर F दोनों लग रहे हैं, और नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो या तो T इज इक्वल टू F है या एम जी इज इक्वल टू F है, तो एम जी इज इक्वल टू F है। ठीक है ना, एम जी इज इक्वल टू एफ है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करोगे तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ रहा है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल बाई टू, और वो भी माइनस का, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन टू एल, दिस इज वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑप्शन बी भी ठीक हो गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग इन फाइनल सिचुएशन इज एम जी, तो टी इज इक्वल टू एम जी है, तो ये भी ठीक हो गया। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, इसे देखना जरा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट भी काम हो रहा है और वर्क डन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काम हो रहा है, तो वो क्या माइनस ऑफ माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन टू एल, ये वैल्यू तो अभी ऊपर निकाली, प्लस माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U इनिशियल कितनी है, जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पे था, U फाइनल कितनी है, K इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन L, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन L, तो वर्क डन एक्सटर्नल की वजह से आ गया 3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन L, तो ऑप्शन D इज ऑल्सो, तो डी भी ठीक है, तो चार ऑप्शन ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको 3 मिनट मिलते हैं, और ये क्वेश्चन हम टफ कैटेगरी का मान लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, थीटा निकालना पड़ता है पहले, फिर थीटा सोच करके एल पता करना पड़ता है, फिर उसके बाद फोर्सेस को बैलेंस करके टेंशन ग्रेविटी इन सब की वैल्यूज निकालनी होती है, और फिर एंड में सारे वर्क डन का समीशन करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पर भी ध्यान रखना होता है। तो ये टफ कैटेगरी क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20th है कि इन द फिगर शोन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर गिवन अनइक्वल चार्जेस, इट्स कैपेसिटेंस इज सी, पी इज द पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर एंड इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द प्लेट ऑफ अ चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लेट पे दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी. तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हमें डी दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे डी बोला हुआ है. A point charge at P will execute some force. तो इस minus Q की वजह से इस पे जो electric field होएगी P point पे वो इस direction में होएगी. Sigma upon 2 epsilon naught. Sigma को लिख सकते हैं Q upon A into 2 epsilon naught. और इस plus 2Q की वजह से इस तरफ होएगी 2Q upon 2A epsilon naught. ठीक है, तो इस पे कुछ F net इस direction में आ जाएगा. तो option A तो correct है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अब हमें पूछा गया. तो बिटवीन द प्लेट्स है, तो बिटवीन द प्लेट्स का डायग्राम पहले हमें बनाना पड़ेगा. ये 2Q है, ये माइनस क्यू है, तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं यहाँ पे. तो इस पॉइंट पे इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2. तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड E1, 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड E2. तो E1 का मैग्नीट्यूड है Q2Q upon 2A epsilon naught और E2 का मैग्नीट्यूड है, इधर Q चार्ज रखा था ना हमने, E2 का मैग्नीट्यूड है Q upon 2A epsilon naught. तो जो E net हुआ, E net, that is basically E1 plus E2, because both are in same direction, तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 3Q upon 2A epsilon naught. तो ये E net है. What will be delta V? तो delta V क्या हो जाएगा, 3Q upon 2A epsilon naught into distance या displacement between the plates, तो D. तो ये delta V है. अब अगर इन प्लेट्स को देखा जाए, इनके बीच में सेपरेशन है डी और इनका एरिया है ए, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. दिस इज द कैपेसिटेंस. तो ये कैपेसिटेंस है, तो डेल्टा वी हो जाएगा 3Q upon 2C. देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी नीचे ले आए, तो 3Q upon 2C. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी 3Q upon 2C. एनर्जी स्टोर्ड अब हमें पूछा गया है, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ई स्टोर्ड इज बेसिकली हाफ सी वी स्क्वायर, 1/2 इंटू सी इंटू 9Q2 upon 4C2. तो एक सी से एक सी कट गया, तो 9Q2 upon 8C, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड. तो ये एनर्जी स्टोर्ड है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी बोला फोर्स ऑन एनी वन प्लेट, तो किसी भी एक प्लेट को पकड़ लो, इस वाली प्लेट को पकड़ लो माइनस क्यू टू क्यू, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है E2, E2 की वैल्यू हमारे पास है ही, तो जो फोर्स होगा F वो हो जाएगा 2Q into E2, E2 इज Q upon 2A epsilon naught, तो 2 से 2 कट गया, तो F ये आ रहा है, तो ये तो नहीं है, तो गलत है. Q2 upon A epsilon naught करके फोर्स आ रहा है, ये तो नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी. तो इसे मॉडरेट ABC, तो मॉडरेट कैटेगरी क्वेश्चंस में हम लोग इसे रख सकते हैं. तो अगर इन जनरल देखा जाए तो इस क्विज के अंदर भी 14-15 क्वेश्चंस हम लोगों से हो जाने चाहिए थे, ठीक है. तो बाकी क्विज का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अपने टीचर से पूछ लो बेझिझक. और बाकी अच्छा क्विज था, मतलब अभी जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे और रिविजन करो. और किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है ना, तो उसे एक दो बार देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है. चलिए, तो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्विज सॉल्यूशन, ठीक है. टिल देन स्टे सेफ.